प्लस वन के लिए आपने साइंस एज ए सब्जेक्ट चुना है और साइंस के अंदर सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल फिजिक्स और फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी मल्टीप्लिकेशंस होंगी जिनकी वैल्यूज लार्ज होगी। हम 10 रेज टू द पावर्स में बात करेंगे, यहाँ पे पावर्स रेज टू द पावर 2 होंगी, 3 होंगी, 9s होंगी, 9/2 होंगी एंड समवट लाइक दिस। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के साथ हमें काम करना पड़ेगा, कहीं पे रेशियोज कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज़ मान के चलें, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल वर्क हमें करना पड़ेगा, इस तरह का मैथमेटिकल वर्क, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशंस हमें बहुत सारी करनी हैं। अब अगर हमें ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं तो कई बार हिचकिचा जाते हैं इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस को देख के। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। आप मान लिया क्लास के अंदर कर सकते हैं, घर में बैठ के कर लेंगे, परंतु जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप बैठते हैं तो वहाँ पे आपको कैलकुलेटर ले जाने की परमिशन नहीं होती। तो इस तरह की कैलकुलेशंस फिर करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है अगर बगैर कैलकुलेटर के हम करते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आज इस लेक्चर में मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, किसी भी तरह की कैलकुलेशंस हों, आप उनको बड़ा ही आसानी से कर सकते हैं। इवन मिनट भी नहीं लगेगी और आप इस तरह की कैलकुलेशंस को कर लेंगे। ऐसी मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक आध मेथड का यूज़ यहाँ पे करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके ताउम्र काम आएगा, जब तक आप एजुकेशन लाइन में रहोगे, जब तक आप कैलकुलेशन लाइन में रहोगे, जब तक आप साइंटिफिक लाइन में रहोगे, तो इसलिए ये चैप्टर, आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट स्किप किए आपको पूरा देखना है ताकि गलती ना हो जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन आपके लास्ट तक काम आएगा जब तक आप स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेथड को। पहले आपने कई तरह की मैथमेटिकल वर्क किए होंगे पहले, जैसे आपने 27 है, 27 को लिखा होगा 3 × 3 × 3, या सिंपल वर्ड्स में करें तो 3 raised to the power 3। तो इसी तरह के जैसे मान लिया हमारे पास है 8 को भी लिख सकते हैं हम 2 multiplied by 2 एंड वी कैन राइज 2 raised to the power 3। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये इस तरह की जब कैलकुलेशंस हम करते हैं तो इस तरह की कैलकुलेशंस को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस वहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका है? तो इसको लिखने के लिए हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करेंगे। लॉगरिथम्स, इन लॉगरिथम्स की हेल्प से हम इस तरह की कितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस क्यों ना हो उसको बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। अब लॉगरिथम्स को हम कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा 27 को 3 × 3 × 3। लॉगरिथम को लिखना होता है तो हम लिखते हैं एक वर्ड लॉग। अब यहाँ पे ये देखिए, जिसकी पावर होता है, यहाँ पे 3 की पावर है, तो 3 की पावर जब भी होगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 बेस। इसको हम बोलेंगे बेस, जो ये फैक्टर होता है इसको हम बेस कहते हैं। लॉग टू द बेस 3 यहाँ पे है, और कितनी वैल्यू आई? 27 आई, तो 27 विल गिव 3। तो ये है इसको लिखने का तरीका, यानी कि जो पावर थी हमारी वो यहाँ पे आ जाएगी, जो वैल्यू थी हमारी वो यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे बनेगा बेस। यानी कि ये जो बेस है इसकी ये पावर है, अगर इस बेस की पावर हम ये लिख दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसको थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं, आई थिंक इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं 8, जैसे 2 multiplied by 2 multiplied by 2 raised to the power 3 था हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए बेस क्या होगा? 2। तो क्या लिखेंगे? log to the base 2, एंड वैल्यू कितनी आई? 8 is equal to 3। तो ये है लॉगरिथम, log को लिखने का तरीका। या एक और करके देखते हैं हम, हमारे पास है 1000 और 1000 का मतलब होता है 10 raised to the power 3, तो हम लिख सकते हैं log टू द बेस, क्योंकि बेस क्या है यहाँ पे 10, और यहाँ पे मैं लिखूँ 1000, दैट विल बी इक्वल टू 3। अब एक और चीज़ सीखते हैं हम, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा था 2 raised to the power
थ्री। तो यहाँ पे टू तो था हमारा बेस, और जो पावर थ्री है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो हमारे पास जो पावर है उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था टू रेज टू द पावर थ्री इज इक्वल टू एट, तो जो थ्री है वो एक्सपोनेंट है और बेस है वो टू है और वैल्यू जो है वो हमारी होगी एट। अब इसको लिखने का जो तरीका है, हम लिखना चाहें सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में, तो यहाँ पे इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ जैसे a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। जनरल टर्म्स में बना लेते हैं, किसी भी वैल्यू को बना लेते हैं यहाँ पे a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। इसको लॉगरिथम में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे log टू द बेस a किसका y, दैट विल गिव x, यानी कि पावर एक्सपोनेंट यहाँ पे, बेस यहाँ पे, और ये जो आएगी हमारे पास वो वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम लॉगरिथम्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात ये आती है कि लॉगरिथम हमेशा ही ऐसे लिखेंगे क्या, क्योंकि कई बार हमने देखा है थ्री की पावर कर देते हैं, कभी टू की पावर कर रहे हैं, कभी टेन की पावर कर रहे हैं, तो ये हर बार ये पावर्स चेंज हो रही हैं। तो क्या हमेशा हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, या इसके अंदर कुछ चेंज भी कर सकते हैं, या इसके कोई डिफरेंट टाइप भी हो सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँ कि लॉगरिथम जो है वो होते कई तरह के हैं, पर जनरली दो तरह के हम लॉगरिथम हम करते हैं। एक सिंपल लॉगरिथम होता है जिसको हम लॉग टू द बेस 10 मान के चलते हैं। जैसे मैंने अभी अभी 1000 का एग्जांपल आपको बताया था, 1000 वाज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 3, तो वहाँ पे जो बेस था वो 10 था। तो एक तो इस तरह के हो गए, और दूसरे होते हैं नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में क्या होता है, वहाँ पे जो बेस है वो 10 नहीं होगा, उसकी जगह पे कुछ और होगा। वो क्या होंगे एक बार देखते हैं उनको भी। पहले डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन लॉगरिथम्स के बारे में। कॉमन लॉगरिथम्स यानी कि यहाँ पे जो बेस की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 10। जो 10 बेस के साथ होते हैं वो कॉमन लॉगरिथम्स होते हैं। जैसे अभी अभी एग्जांपल हमने लिया था, ये एग्जांपल था हमारे पास जिसमें बेस 10 था हमारे पास और उसकी पावर 3 कर देते थे, तो ये जो लॉगरिथम था इस तरह का, ये हमारा था कॉमन लॉगरिथम। तो यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, लॉग टू द बेस 10 अगर 1000 का करें हम यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आएगी 3। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं लॉग टू द बेस 10 और यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू। एक बार वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, अपने आप लिखने की कोशिश करें, और फिर उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आपने शायद सोच लिया होगा इसकी वैल्यू जो भी आएगी, अब मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 की पावर 2 यानी 10 रेज टू द पावर 2 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2। तो यहाँ पे ये ध्यान रखो जो वैल्यू आती है वो 2 आती है। तो ये बनता है हमारा जो कॉमन लॉगरिथम है वो। आमतौर से जब इस तरह का लिखा जाता है सिंपली लॉग टू द बेस 10 या सिंपल लॉग लिख दिया जाता है, उसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता, बेस नहीं है, तो उसका मतलब है कि वो कैसा लॉगरिथम है, कॉमन लॉगरिथम है। नाउ जो दूसरे टाइप का लॉगरिथम है वो है नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम को जो बेस होता है, जैसे मैंने अभी अभी बताया था आपको, वो बेस होता है ई। अब ई क्या है, ई एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। हम सिर्फ 3 डिजिट तक भी रखें तो भी सफिशियंट है, हम इसको राउंड ऑफ करके यू भी लिख सकते हैं 2718। तो ये e होता है, e की वैल्यू होती है 2.718 और इसको हम कहते हैं यूलर्स नंबर। ये होती है इसकी वैल्यू 2.718। तो ये ध्यान रखो नेचुरल लॉगरिथम, लॉग टू द बेस किसी नंबर का e हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो बेस है, जो वैल्यू होगी बेस की, वो कितनी होगी 2.718। अब यहाँ पे एक वैल्यू मैं आपको लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम, समझने की कोशिश करते हैं इसको, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा आपको। तो यहाँ पे लॉग
टू द बेस ई और मैं लिख दूं 7.389, दिस इज नियरली इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर लिखें तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मैंने जैसे बताया था आपको, ये वाला क्या होता है, पावर है, ये वाला क्या है, बेस है। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, लॉग टू द बेस 2.718, क्योंकि e की जो वैल्यू थी वो 2.718 होती है एंड 7.389 इज नियरली इक्वल टू 2। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको पावर्स में एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं यहाँ पे, तो हम सिंपल सा कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि 2.718 ये बेस है, बेस की ये पावर होती है 2, दैट विल बी इक्वल टू 7.389। सो ये इस तरह से जो बनता है वो हमारा नेचुरल लॉगरिथम बनता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो है नोटेशन का। लॉग टू द बेस 10 हो या उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो वो कॉमन लॉगरिथम है, वो लॉग टू द बेस 10 ही है, वहां पे 10 की ही पावर बनेगी जो भी पावर बनती है वो। तो वहां पे ln लिखा हो तो आपको समझ लेना है कि वो नेचुरल लॉगरिथम है, वहां पे बेस e है, e का मतलब 2.71828 है। तो यहाँ पे log टू द बेस 10 हो या सिंपली log हो तो वो कॉमन हो जाता है, log टू द बेस 10 इस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, सिंपली log लिखा हुआ हो सकता है। अगर यहाँ पे log टू द बेस e लिख रखा है या ln भी लिखा हुआ हो सकता है, इनमें से कोई भी हो तो इसका मतलब वो नेचुरल लॉगरिथम है, अगर इनमें से कोई भी हो तो वो इसका मतलब कॉमन लॉगरिथम है। तो ये बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं लॉगरिथम के जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम कई तरह की करेंगे और उसमें डेसिमल वाली भी होंगी और कुछ रेशियोज में भी होंगी, यानी कि पावर्स जिसकी नेगेटिव होगी, -1, -2, -3, क्या इस तरह के लॉगरिथम्स भी हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे मेरे पास नंबर है लॉग, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग टू द बेस 10 है मेरे पास और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 26। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग 26? अब आप कैलकुलेटर के अंदर भी चेक करेंगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी वहाँ पे, या आप लॉग टेबल के अंदर देखते हैं तो भी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। अब ये ध्यान रखिए, लॉग टेबल का मैंने एक बार वर्ड बीच में इस्तेमाल किया है, कैलकुलेटर तो क्योंकि एग्जाम में अलाउड होगा नहीं, लॉग टेबल्स अलाउड होंगी। लॉग टेबल्स में आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, वो आपने लोअर क्लासेस के अंदर सीखा होगा लॉग टेबल्स के अंदर किस तरीके से वैल्यूज हम देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट मी, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम टेबल्स का यूज करना सीखेंगे, साइन, कोस, टेंजेंट्स या हमारे जो बेसिक लॉगरिथम्स हैं उसको टेबल की हेल्प से हम कैसे देखें। तो उसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिख दीजिएगा, या मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मुझे लिख सकते हैं इसके बारे में। मैं बता रहा हूँ कि लॉग टेबल की हेल्प से हम लॉग देख सकते हैं, तो डेसिमल्स हों या रेशियोज हों तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, लेट अस सी। अब यहाँ पे जैसे लॉग टू द बेस 10 26 है और लॉग टेबल की हेल्प से जब हम इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 1.4149 समथिंग लाइक दिस, इस तरह की वैल्यू आपको वहाँ पे नजर आएगी। कैलकुलेटर के अंदर देखोगे तो हो सकता है ये डेसिमल्स कुछ और भी बढ़ जाएं, बट लॉग टेबल की हेल्प से आपको ये वैल्यू लगभग मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि जो 10 की पावर, मैंने बताया था बेस जो होता है वो उसकी पावर बनता है ये नंबर, तो 10 रेज टू द पावर यहाँ पे करेंगे 1.4149, दैट इज इक्वल टू 26। अब हुआ ना कॉम्प्लिकेटेड, हम आमतौर से पावर 2 करते थे, 3 करते थे, 5 करते थे, यहाँ पे 1.4 इस तरह की पावर्स भी हम सोल्व करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन है, हमारे पास डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हो सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए लॉगरिथम है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन ऐसी नहीं होगी जो आप लॉगरिथम से नहीं कर पाएंगे। तो समझ लें इस चीज़ को, ध्यान से कर लें और प्रैक्टिस ज़रूर करें इस तरह के क्वेश्चंस की, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम्स की। नेगेटिव लॉगरिथम मीन्स वहाँ पे अगर डिवीजन हो,
कोई वैल्यू डिवाइड की गई हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 1/4 है या 1/8 है, इस तरह की वैल्यूज हों तो उसमें क्या करें। 1/8 का मतलब सिंपल सा बनता है हमारे पास, जो 1/8 की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू आई थिंक 0.125 होगी। तो इसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये बनता है 8^-1 इज इक्वल टू 0.125। अब लॉग की फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे तो लॉग की फॉर्म में लॉग टू द बेस, क्योंकि 8 की पावर है तो 8 इज बेस, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है 0.125, और ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -1 आएगी। सिंपल सा बनता है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप कर सकते हो। तो ये वैल्यू ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8 बेस पावर वैल्यू बनाता है यहाँ पे, इक्वल के बाद आती है, और जो ये वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे जो मैथमेटिकल जो फॉर्म होंगी जो लॉग की। वो यहाँ पे मैंने आपको कुछ लॉगरिथम के मैथमेटिकल कैसे वो रेशियोज वगैरह करते हैं वो चीज़ें बताई। अब इससे थोड़ा सा एडवांस काम हम और करते हैं कि ये हमें हेल्पफुल कैसे होता है, कैसे हेल्प करेगा हमारे। तो चलिए एक बार देखते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सपोज मेरे पास दो नंबर हैं, एक ए है और दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है बी, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो अगर मैं इनका लॉग ले लेता हूँ, लॉगरिथम इनका करें, लॉग टू द बेस 10 है, अंडरस्टूड है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, लॉग टू द बेस 10 है ए मल्टीप्लाइड बाई बी, तो हम लिख सकते हैं लॉग टू द बेस 10 ए, बेस वही रहेगा चेंज नहीं होगा, लॉग टू द बेस 10 बी। अगर ये नेचुरल लॉगरिथम में होता, ln होता, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई b होता, तो यहाँ पे भी हम ln नेचुरल लॉगरिथम या लॉग टू द बेस e लिख सकते हैं a प्लस ln b। तो इस तरीके से सिर्फ पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लीकेशन का जो है सिस्टम उसको ये मल्टीप्लीकेशन से देखिए एडिशन में कन्वर्ट कर दिया है, इसने प्लस के साइन में कन्वर्ट कर दिया है। तो लॉगरिथम क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, एडिशन में कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे। और जब एडिशन में कन्वर्ट करेगा तो आई थिंक किसी भी चीज़ का एडिशन मल्टीप्लीकेशन के मुकाबले बहुत ईजी होता है। इसी तरीके से डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। देख लेते हैं एक बार वो भी, लॉग a बाई बी है कोई भी वैल्यू है, तो इसको लिखने का तरीका है लॉग a माइनस लॉग b। तो यहाँ पे डिवीजन जब भी होगा तो डिवीजन की जगह पे माइनस साइन, यानी कि ये क्या करेगा, डिवीजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, माइनस साइन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब एक और इसके अलावा सीखते हैं हम पावर्स का, व्हाट हैपन्स टू द पावर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक a रेज टू द पावर b, और इसका लॉगरिथम हम लेंगे लॉग a रेज टू द पावर b, तो यहाँ पे क्या होता है, पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो दैट विल बी इक्वल टू b log a। डोंट कन्फ्यूज विद बेस और बेस दैट इज 10 और e, उसके साथ कन्फ्यूज नहीं होना है। नेचुरल होगा तो e होगा तो e हो जाएगा, बेस 10 है तो 10 हो जाएगा, वो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो ये ध्यान रखो a रेज टू द पावर b है तो पावर आगे आ जाती है। और यहाँ पे देखिए इसी की एप्लीकेशन हमने पिछले एग्जांपल में यहाँ पे की थी। यहाँ पे इसको लिखने का क्या तरीका है, एक बार और दूसरे तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, कैसे, log a मल्टीप्लाइड बाई b रेज टू द पावर माइनस वन, क्योंकि 1/b का मतलब होता है b की पावर माइनस वन। तो यहाँ पे a b रेज टू द पावर, तो उसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे log यहाँ पे a, और क्योंकि पावर का मेथड है यहाँ पे तो प्लस साइन तो मल्टीप्लीकेशन की जगह पे आ गया, और यहाँ पे इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आगे आ जाता है, तो आगे आएगा मल्टीप्लीकेशन में तो माइनस वन आगे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा b, तो log ऑफ a माइनस b। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थी पावर्स का, मल्टीप्लीकेशन का, डिवीजन का,
हम इस तरीके से लॉगरिथम को कर सकते हैं। तो आई थिंक आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जो मुश्किल कैलकुलेशंस होती हैं, उसको लॉगरिथम बड़ा ही आसानी से सोल्व कर देता है। तो आप सिंपल एडिशन क्योंकि पावर के मुकाबले मल्टीप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर रहा है एंड डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा है और पावर को सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो आई थिंक पावर के मुकाबले मल्टीप्लिकेशन ईजी है, मल्टीप्लिकेशन के मुकाबले एडिशन ईजी है, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो डिवीजन के मुकाबले सब्ट्रैक्शन काफ़ी ईजी है। तो यूजिंग दीज सिंपल टेक्निक्स और यू कैन सोल्व लॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वेरी इजिली। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा लेंथ हम इस लेक्चर की नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही रखेंगे। अगर आपको लॉग टेबल से रिलेटेड या इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो नीचे लिखिएगा जरूर कमेंट्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि सभी लेक्चर्स आपको लगातार मिलते रहें बगैर किसी डिले के, आप छूटे नहीं कोई भी लेक्चर, तो उसके लिए जो सब्सक्रिप्शन बटन है वो ज़रूर दबाना होता है, और उसके साथ जो नोटिफिकेशन आइकन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास आए थे मैसेज कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, लेक्चर्स आप डालते हो या लाइव क्लासेज जब होती हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो मेक एंश्योर दैट जो नोटिफिकेशन आइकन है वो जरूर ध्यान कर लें, वो जरूर प्रेस होना चाहिए, और वहां पे ऑल नोटिफिकेशंस कर लें ताकि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप कोई भी लेक्चर में से ना कर पाओ। तो ये जितने भी हैं इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के हो सकते हैं, डिवीजन के हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल भौतिक आईक्यू से, मैंने बताया था, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं, या आपकी जो प्रॉब्लम है उसका फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम या यूट्यूब कमेंट से, आप किसी भी मेथड से आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।